हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे साइन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी हथेली है वह काफ़ी स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इनकी मेहनती नेचर को शो करती है। तो काफ़ी मेहनती नेचर इनकी रहने वाली है, और जो फिंगर्स हैं यह हथेली से थोड़ी शॉर्ट हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी जल्दबाज नेचर रहेगी, अग्रेसिव नेचर रहेगी इनकी। काम कोई भी शुरू करने से पहले ज़्यादा सोच विचार यह नहीं करते होंगे और एकदम से काम को शुरू करने का प्लान बना लेते होंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी अग्रेसिव नेचर शो हो रही है, और उसके बाद अगर देखा जाए फिंगर्स थिक हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हैं, और काफ़ी सीधी रेखाएँ भी हैं फिंगर्स के ऊपर, जो इनकी नेचर को फ्रेंडली भी बनाती हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो सूर्य की फिंगर की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, लगभग सैटर्न के इक्वल यानी कि शनि के बिल्कुल इक्वल होती हुई। तो सूर्य इनका ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाला है, जिसकी वजह से अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी व्यक्ति के अंदर रहती हैं, थोड़ा सा ईगो कंटेंट भी आ जाता है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक नेचर भी हो सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो फिंगर है तर्जनी, जिसको हम गुरु की फिंगर कहते हैं, थोड़ी सी शॉर्ट है, जिसकी वजह से कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी होगी, और गुरु की तरफ से मिलने वाले अच्छे प्रभावों में भी थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पर देखी जा सकती है। आगे देख सकते हैं आप मर्करी, तो मर्करी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी लंबी इसमें फिंगर दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स इनके काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, और बिजनेस में भी यह अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मर्करी की लंबाई यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, यह कह सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर अपोलो का फैलेंज है, फर्स्ट सबसे ऊपर वाला फैलेंज है, उसके हाफ तक यह मर्करी पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिंगर्स के बाद, चेक करते हैं माउंट्स को। तो यहाँ पर एक लाइन मैं ड्रॉ करना चाहूँगा आपके लिए ताकि हम माउंट्स को चेक कर सकें। तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, थोड़ा सा शाही स्वभाव भी रहेगा, ज़्यादा ओपन अप यह नहीं हो पाएंगे, क्राउड के सामने थोड़ा सा शाइनेस फील कर सकते हैं, ऑपोजिट सेक्स के सामने थोड़ा सा शाइनेस रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लो सेट हो रहा है मर्करी। और अगर मैरिज की लाइन को देखा जाए यहाँ पर, तो झुकी हुई लाइन मुझे दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से। अग्रेसिव पार्टनर मिलेगा इनको, जो पार्टनर होगा थोड़ा सा गुस्से वाले स्वभाव का हो सकता है, डोमिनेटिंग नेचर का पार्टनर मिलने के चांसेस भी रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा लो सेट है सिर्फ मर्करी माउंट, बाकी के माउंट यहाँ पर अच्छी पोजीशन में हैं। तो चलिए वन बाई वन सारे माउंट्स को देखते हैं। सबसे पहले मर्करी से ही शुरुआत करते हैं। मर्करी माउंट के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ खड़ी रेखाएँ आपको यहाँ नज़र आएंगी, जो एक अच्छा चिन्ह है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किन लाइनों की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ इस तरह की लाइंस जो एक तरह से बिजनेस एक्मन को बढ़ाती हैं, बिजनेस में एक्सपर्ट रहता है व्यक्ति, काफ़ी सारी खड़ी रेखाएँ होने की वजह से। और सूर्य माउंट को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सूर्य माउंट को स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है, लेकिन सूर्य माउंट सेंटर से थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक तरह से नेम एंड फेम मिलने में दिक्कत रहती है, आईसाइट वीक होने की प्रॉब्लम भी हो सकती है सूर्य माउंट के वीक होने की वजह से। यहाँ पर एक अगर सूर्य रेखा हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य रेखा जो है एक स्टेबल सूर्य रेखा नहीं है, तो मल्टीपल लाइंस हैं, तो इनके अंदर टैलेंट भी कुछ इसी तरह से मल्टीपल टैलेंट्स रह सकते हैं, लेकिन फोकस किस पर करना है इस चीज़ की कन्फ्यूज़न इनके अंदर रह सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का गर्डल ऑफ वीनस, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तो नहीं रहेगा, कुछ इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पर बनता हुआ, वैसे डबल हो रहा है गर्डल ऑफ वीनस कुछ ऐसी लाइंस की वजह से। तो थोड़ी सी मूड स्विंग वाली नेचर भी इनकी रह सकती है, यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस की जो बनतर है वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ प्रभाव इस गर्डल ऑफ वीनस की पार्शियल फॉर्मेशन की वजह से
इनके ऊपर इमोशंस वाले प्रभाव, इमोशनल नेचर देने वाले प्रभाव इनके ऊपर रह सकते हैं। आगे चेक करते हैं यहाँ पर इनकी जो माउंट है, इनका जो शनि माउंट है, तो शनि माउंट आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा हाई सेट है, सूर्य के इक्वल यहाँ पर माउंट मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एवरेज इस माउंट को मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उभरा हुआ भी नहीं है और बहुत स्ट्रांग शनि की लाइन भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। अब देख सकते हैं यहाँ पर सैटर्न लाइन कुछ इस तरह के पैटर्न में चलती हुई, लेकिन प्रॉपर सैटर्न माउंट तक नहीं पहुंच पा रही। हल्की जो लाइंस हैं सैटर्न की कुछ इस तरह से ओवरलैप्ड होकर पहुंच रही हैं, तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को शो करती हैं यह लाइंस, प्रोफेशन चेंजेस को शो करती हैं, एक के बाद एक चेंजेस इनके प्रोफेशन में हो सकते हैं। आगे चेक करते हैं गुरु माउंट को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु माउंट जो है स्पेस गुरु माउंट को थोड़ी सी कम मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो माइंड की और लाइफ की लाइन है हाई सेट है, एम्बिशियस नेचर रहेगी इनकी, और यहाँ पर काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं गुरु माउंट के ऊपर मैं देख पा रहा हूँ, कुछ इस तरह की हल्की और सीधी खड़ी रेखाएँ जो एक तरह से इनको प्रोग्रेसिव नेचर का बनाएंगी, और लाइफ में प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी रहने वाली है। थ्रू आउट द लाइफ यह मेहनत करेंगे और मेहनत से ही अपनी प्रोग्रेस को हासिल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं मेन लाइंस को, मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले हार्ट की लाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की ब्रांचेस ऊपर की तरफ उठना इस लाइन से शो करता है थोड़ी सी फ्लर्टी एंड रोमांटिक नेचर को। और हार्ट की लाइन का बाइफोर्क होना एक विष्णु सिंबल, जैसे यहाँ पर वी आप देख सकते हैं, इस तरह का विष्णु सिंबल यहाँ पर बनना शो करता है काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इन लाइफ। लेकिन यहाँ पर जिनके भी हाथ में विष्णु सिंबल बनता है, इनको मैं हमेशा से एक सजेशन देता हूँ कि कभी भी किसी अनफेयर मीन से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने पे इनका खुद का नुकसान हो सकता है। बहुत ही ऑस्पिशियस सिंबल इस चिन्ह को माना जाता है, और एक तरह से दोनों माउंट्स के गुण भी व्यक्ति के भीतर आ जाते हैं, शनि का और गुरु दोनों माउंट्स पे एक एक ब्रांच जो इस विष्णु सिंबल की जाती है, जिसकी वजह से तो दोनों की क्वालिटीज़ रहती हैं और काफ़ी प्रोग्रेस लाइफ में रहती है। और जो प्रोग्रेस होती है बहुत ही मेहनत से ऐसे व्यक्ति प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर थोड़ी इमोशनल नेचर रहेगी और प्रैक्टिकल और थोड़ी सी आदर्शवादी नेचर भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बृहस्पति तक यह लाइन पहुँच रही है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइन का मंगल की तरफ चलना, मांगलिक दोष को भी यह शो करता है, मंगल का प्रभाव रहेगा, गुस्से वाला स्वभाव यहाँ पर रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ लाइंस यहाँ से नीचे की तरफ उठती हुई निकलती हुई जो इनको थोड़े से इमोशनल सेटबैक्स भी लाइफ में दिलवा सकती हैं। ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय इस मंगल तक जो इस लाइन का कनेक्शन हो रहा है इसके, क्योंकि मंगल दोष है जो थोड़ा सा स्ट्रांग नज़र आ रहा है, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग मंगल है और आप देख सकते हैं मंगल के जो दोनों पर्वत हैं यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग और उभरे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगल के दोनों ही पर्वत, इनर और आउटर मंगल, बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। और इस चीज़ का बेनिफिट इस तरह से भी रहता है कि व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करे, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी बिजनेस करे, तो उसमें बहुत लाभ भी मिलता है, लेकिन अग्रेसिवनेस व्यक्ति के अंदर बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी माइंड की लाइन को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, यहाँ पर कुछ वीकनेस देखने को मिल रही है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, कुछ यहाँ से लाइन वीक हो रही है लेकिन आगे चलकर फिर से स्ट्रांग। तो यहाँ पर जो 30 के आसपास की एज तक थोड़ी सी स्ट्रगल, थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन आगे माइंड बहुत ही अच्छा, बहुत ही शार्प लाइन है। और आप देख सकते हैं जो बीच का एरिया, यहाँ पर माइंड की लाइन काफ़ी वीक होती हुई दिखाई दे रही है, माइंड की लाइन बिल्कुल सीधा चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी शार्प माइंड रहेगा, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन इनके अंदर नहीं रहने वाली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेस लाइन एक नज़र आ रही है इस एरिया में, जो लगभग इनको 40 के आसपास की एज में थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं मानसिक लेवल पे। और यहाँ पर जो लाइन पहुँच रही है 35 के आसपास,
लाइफ लाइन में, तो यहाँ पर दो एजेस में इनको यह लाइन जो स्ट्रेस लाइन है थोड़ा सा परेशान कर सकती है, अदरवाइज कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। लाइफ लाइन को चेक किया जाए तो लाइफ लाइन भी आप देख सकते हैं कुछ वैसी ही हल्की सी वीकनेस, और आगे चलकर यहाँ से बाहर की तरफ निकलती हुई ब्रांचेज हैं जो शो करती हैं घर से दूर इनका सेटल होना, और कुछ इस तरह से जो जब बड़ा एरिया वीनस माउंट को मिलता है और उभरा हुआ वीनस मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तो एक एक तरह से थोड़ी सी कामुकता का लेवल अधिक रहता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि हर तरह की लग्जरीज तो लाइफ में मिलेंगी, तो थोड़ी सी कामुक नेचर भी रह सकती है। इनकी वीनस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग होता हुआ जो वीनस माउंट है दिखाई दे रहा है। इस तरह से लाइन का लाइफ लाइन का बाहर की तरफ चलना घर से दूर सेटल होने के चांसेस को भी दर्शाता है। यह भी चांसेस रहेंगे स्ट्रांग कि यह घर से दूर अपने होम कंट्री से दूर परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। उसके अलावा मून के ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी लाइंस ऊपर की तरफ उठती हुई यहाँ से फेट लाइन में ऐड होती हुई भी दिखाई दे रही हैं, और कुछ ऐसी लाइंस जो ऊपर की तरफ चलती हुई यहाँ पर मल्टीपल ट्रैवलिंग को शो करती हैं। मून एरिया से ऊपर की तरफ लाइफ का चलना विदेश से धन की इनकम को बढ़ाता है, वहाँ से इनकम फॉरेन से इनकम के चांसेस को शो करता है, और साथ ही साथ काफ़ी सारी लाइंस का ऊपर की तरफ उठना मल्टीपल ट्रैवलिंग को शो करता है, तो बहुत ही ट्रैवलिंग रहेगी लाइफ में, बहुत सारे बहुत बार इनको विदेश यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी ट्रायंगल बनता हुआ, मनी ट्रायंगल यहाँ पर कंप्लीट बनता हुआ, तो पैसे संबंधी कोई भी दिक्कतें मुझे यहाँ पर इनकी लाइफ में होती हुई नज़र नहीं आ रही, तो मनी रिलेटेड यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो अग्रेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको रह सकती है, गुस्से का स्वभाव रह सकता है, तो मंगल के उपाय करते रहना इनके लिए सबसे शुभ होगा। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।